सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी हर्षा, योर ओन फूडी खानदानी. सो लाइक यू नो, यस ऑफ कोर्स, जो मेरा पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है. सो आई एम लाइक जस्ट एन ऑनेस्ट स्टोरी दैट आई वांट टेल यू. नथिंग, बस ऐसे ही बैठी थी तो आई थॉट थोड़ा सा बात की जाए. काफ़ी दिन हो गए, बात भी नहीं की थी. थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ बैठे बैठे खा खा के. लाइक ऑफकोर्स आई कैंट वॉक, सो दिस इज लाइक टू बैड. यू कैन सी बहुत ही लंबा प्लास्टर लगा है मुझे. सो आई एम समवन जिसको ऐसे घर बैठना, शांत बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई लाइक टू गो आउट एंड सैटरडे आई कैंट मिस पार्टीज एंड दिस इज माई सेकेंड सैटरडे. आई एम सिटिंग एट होम, आई कैंट पार्टी ऑफकोर्स. बट समटाइम्स बोलते ना, लाइफ में एक ठहराव बहुत ज़रूरी होता है. गेस दिस वॉज मे बी मच नीडेड, और बोलते हैं कि थोड़ा सा थम जाना चाहिए लाइफ में. सो आई एम लाइक नॉट इन दिस वॉज नॉट अ गुड वे ऑफकोर्स, बट हाँ थोड़ा सा ठहराव तो आ गया है. सो बेसिकली ऑफिस से निकली थी, गाड़ी चला रही थी, एक जगह जाना था मीटिंग के लिए. सो आई वॉज लाइक मीटिंग एज एन ऑफिशियल मीटिंग, नॉट अदर मीटिंग. सो मीटिंग में जाना था, गाड़ी चला रही थी. हेलमेट मैं यूजुअली पहनती हूँ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी दैट डे, आई डिडंट वेयर हेलमेट. केपी रोड था, आई वॉज ड्राइविंग, अच्छे से चला रही थी गाड़ी. एंड सडनली रोड बोलते ना थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का आ गया, एंड माई बाइक गॉट डिसबैलेंस और मेरी गाड़ी स्केट हो गई. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, इट्स बीन 10 days नाउ, बट आई स्टिल रिमेम्बर. वो सीमेंटेड रोड होती है ना, उसमें आई, वो स्केट खाई गाड़ी और मैं भी स्केट खाई, एंड देन फाइनली गाड़ी मेरे ऊपर आके गिर गई. दैट इज़ वाई ये फ्रैक्चर हुआ. एंड देन वहाँ पे सडनली देयर इज़ अ ब्लैकआउट फॉर मी ऑफकोर्स. मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था क्या हो गया मेरे साथ. बहुत इंस्टेंट हुआ था, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू कैच कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. सो फिर उसके बाद जैसे मैं गिरी, सो दो लोग आए. आई डोंट बोलते ना सब अच्छे लोग लिटरली होते हैं आजकल. दो आए बंदे बेचारे, उन्होंने मुझे उठाया, गाड़ी उठाई, फिर मुझे साइड में बिठाया. बिकॉज आई वॉज लाइक सो हर्ट कि मैं चल भी नहीं पा रही थी ऑफकोर्स. सो देन फाइनली मैंने देखा मुझे कितनी चोट आई है. सो वॉज ह्यूज ऑफकोर्स. देन मेरी ही गाड़ी में एक बंदे ने मुझे बिठाया, एक अपनी गाड़ी से दे टुक मी टू अ हॉस्पिटल इन येरवड़ा. सो वो दो बंदे एंड तक थे मेरे साथ अंटिल मेरे घर से कोई आ नहीं गया. ओके, देन फाइनली मेरे घर से आए और मेरी सिस्टर वगैरह सब आए. सो दे टुक मी होम. फाइनली आई एम एट माई सिस्टर्स प्लेस, शी इज़ टेकिंग अ वेरी गुड केयर ऑफ मी. बट यू नो पता नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड फाइन. आई विल नॉट से इट्स नॉट गुड, बट देन आई एम समवन बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जाना, ये वो करना सारा दिन बहुत पसंद आता है. बट समटाइम्स जब आप ऐसे अकेले बैठते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होती हैं. इट ब्रिंग्स इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग नेगेटिव थॉट्स, बट आई प्रेफर समटाइम्स आई डू मेडिटेशन कि यार क्यों हुआ, किस लिए हुआ. बिकॉज हो सकता है मेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला हो, और शायद थोड़ा कम में ही मैं निपट गई, बोलते हैं ना. एंड मॉर्निंग इट्स आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई 13K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. आई वॉज वेरी हैप्पी टिल इवनिंग एंड सडनली दिस हैपेंड. तो बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं मनानी चाहिए किसी चीज़ की, बिकॉज यू नेवर नो. बोलते ना नज़र लग गया वाला फंडा. आई थिंक आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इट नाउ, बट या एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट ये जो हुआ. बट ठीक है, आई स्टिल बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. मे बी ऐसे शांत बैठ के थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना, शांत बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो या आई एम डूइंग दैट. थैंक यू.